मैं चाहूँ तो इसको भी डलवा सकते हैं इसी बजट वाले को, है ना। आप तुम आवाज सुन लेना कन्वर्टर के अंदर से, आप इसको है ना। तो हेलो गाइस, अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम्हारा मेरे फिर से एक प्यारी सी वीडियो में। आज की इस वीडियो में तुमने देखा होगा, थंबनेल वगैरह में देख लिया होगा, टाइटल वगैरह में देख लिया होगा कि आज की वीडियो जो किस क्रिएटर रहने वाली है अपनी, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ मतलब कि जीरो, बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट में ना तुम अपने RS 200 के साउंड को कैसे तेज कर सकते हो, और जो उसका साउंड वगैरह अगर बढ़ेगा ना तो कन्वर्टर से आवाज आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं, लीगल रहेगा वो कन्वर्टर। अगर तुम्हारा साउंड आ रही है तो तुमको अगर ऐसे कोई भी स्टॉप नहीं करेगा, तुमको कोई भी रोकेगा नहीं, लीगल रहने वाली आवाज। तो तुमको मैं आज पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ कि अपन है ना इस बाइक के अंदर बेसिकली दो कन्वर्टर रहते हैं RS 200 के अंदर। एक कन्वर्टर ये वाला आता है अपना, ये वाला अपना कन्वर्टर आता है, और एक ये वाला कन्वर्टर आता है अंदर की साइड। यहाँ पे दो कन्वर्टर आते हैं इस बाइक के अंदर। तो आज की इस वीडियो में तुमको मैं यही बताने वाला हूँ कि अपन RS 200 की साउंड को कैसे तेज कर सकते हैं लीगली, मतलब कि जो लीगल रहेगा ना कन्वर्टर से आवाज आती है। बेसिकली होता है जो कन्वर्टर से आवाज आती है ना वो लीगल होती है। और अगर अपन एग्जॉस्ट डलवाते हैं, जैसे मेरे पास AC प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट है, मैं चाहूँ तो इसको भी डलवा सकते हैं AC प्रोजेक्ट वाले को, बट मैं डलवा नहीं रहा क्योंकि इस बाइक की जो साउंड है ना वो इनफ है। मैं तुमको अभी बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊंगा, स्टार्टिंग मतलब कि क्या, मतलब कि बिफोर रहा, पहले क्या साउंड आती थी इस बाइक की और अब क्या साउंड आएगी। तो अपनी जो बेसिकली साउंड आती है ना अभी आयु फिलहाल जो साउंड आती है अपनी RS 200 की, तो इस कन्वर्टर से आती है अपने। ये जो कन्वर्टर होता है इसके अंदर एक कन्वर्टर होता है, वो जो ये बाहर की जो ये तो आउटर शील्ड होती है इसकी, ये गर्म नहीं होती हीट अपन अगर इस पर पैर रखते हैं तो। आज की वीडियो में तुमको ये डिटेल देने वाला हूँ कि बिना आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट डलवाए इस बाइक के अंदर तुम अपने RS 200 की साउंड को कैसे तेज कर सकते हो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। तुमको पता है अगर अपन आफ्टर मार्केट इन्वेस्ट ये लगाते हैं तो है ना 2-3 हज़ार रुपये का तुम्हारा बैंड पाइप आ जाएगा, और ये एग्जॉस्ट वगैरह आ जाएगा आफ्टर मार्केट लगवाते हो तुम 3-4 हज़ार का, कम से कम 3-4 हज़ार का एग्जॉस्ट आएगा। ये जो है 7-8 हज़ार का एग्जॉस्ट है। तो तुमको है ना मैं आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि है ना तुम कैसे अपनी बाइक के ना साउंड को तेज कर सकते हो बिना किसी एग्जॉस्ट को डलवाए, बिना कुछ करे हुए, और जो लीगल हो, जो साउंड लीगल आएगी तुमको बहुत अच्छी साउंड आएगी, बेस वाली साउंड आएगी। तो इस वीडियो को तुम है ना पूरे लास्ट तक देखना, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि बिना जीरो इन्वेस्टमेंट के अंदर आप अपनी बाइक की साउंड को कैसे तेज करते हो। वीडियो मतलब कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मैं तुमको इसकी एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ, जो कि कंपनी फिटेड आती है, जो कि RPM लिमिटेड की साइड रहती है, जो अपने साउंड आती है। तो मैं तुमको इस बार इसकी आवाज सुनाता हूँ, फिर तुम इसके बाद डिफरेंस देखना क्या डिफरेंस बनता है बाइक के अंदर। तब तुम देखना इस बाइक की जो आवाज आएगी वो डायरेक्ट एग्जॉस्ट से आएगी, कोई भी मैं इसके अंदर वो नहीं लगवा रहा। अभी जो साउंड आ रही है वो इस कन्वर्टर से आ रही है, इसके अंदर से यहाँ से आवाज आ रही है, बिल्कुल तुम सुन सकते हो। अभी तुमने जो आवाज सुनी वो इस कन्वर्टर से आवाज आ रही थी, कि मतलब कि मैंने कोई भी तुम कंपनी फिटेड है सब कुछ, मैंने कोई भी इसके अंदर चेंजेस नहीं किए अब तक। अब मैं तुमको बताऊँ कि इसकी जो साउंड है इसको कैसे इंक्रीज करना है, कैसे इस साउंड के अंदर तुमको इंक्रीमेंट चाहिए, कैसे बेस चाहिए। तो सबसे पहले करना अपन को ये होता है, इस अपन को इस कन्वर्टर को यहाँ से हटाना है और अंदर वाला जो कन्वर्टर है उसको वैसे का वैसा रहने देना है, कोई भी अपने कन्वर्टर के साथ चेंजेस नहीं करेंगे। क्योंकि अगर उस कन्वर्टर को अपन ने हटाया तो वो अपने इंजन के साथ इंपैक्ट पड़ेगा, और तुम्हारी जो इसका जो माइलेज सेट है कंपनी से वो थोड़ा खराब हो जाएगा, और इंजन के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो अपन सबसे पहले बस इसको बाहर वाले को हटाएंगे। तो उसके लिए करना कुछ नहीं होता, इस यहाँ से इसको ढीला करना होता है, और इसके अंदर एक और सील होती है, मैं तुमको दिखाता हूँ यहाँ पे सील इसकी, और जो इसकी सील होती है यहाँ पे, ये जो बुल्ट होता है इसको हटाना होता है अपन को यहाँ से, और अंदर एक सील होती है तुमको दिख रही होगी यहाँ से सील, इस सील को अनलॉक करना होता है। तो अपन जल्दी से ना इसको खोल लेते हैं, फिर मैं तुमको है ना इसकी बताऊंगा कि क्या डिफरेंस आया साउंड के अंदर, और तुम पूरी लास्ट तक जरूर देखना। ना तुमको इसको खोलने के लिए ना आफ्टर मार्केट कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारे बाइक के अंदर ही सारा सिस्टम दिया गया है बजाज की तरफ से, हर बाइक के अंदर आता है। देखो यहाँ पे अपन इसको अनलॉक किया, ये तो सेफ्टी किट आती है अपनी, और यहाँ पे सारे इसके अंदर स्क्रू ड्राइवर्स मिल जाएंगे जो कि इस पेज को आराम से खोल देंगे। इसके अंदर जो भी अपन को फिटिंग चाहिए होगी ना वो सब मिल जाएगी इसके अंदर। तो अपन को दो स्क्रू अनलॉक करना है बस, बेसिकली एक तो इसके अंदर आता है ये वाला, और एक दो आते इसके अंदर, एक ही आएगा और एक इसके अंदर ही आएगा। तो इससे ये जो है ना ये वाला अपना इससे खुल जाएगा, और बाकी जो है ना अगर तुमको अंदर वाली सील खोलनी है तो इसके अंदर वो भी मिल जाएगा। इसके अंदर बहुत सारी किट मिलेगी तुमको पूरी की पूरी, जैसे ये वाली है, तो इससे ये जो है ना अपना ये वाला पेज खुल जाएगा और जो अंदर वाला है वो खुल जाएगा। तो मैं जल्दी से खोल देता हूं, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फिर अपन इसके अंदर साउंड का इंक्रीमेंट देखेंगे। तो अब जैसे तुम देख पा रहे हो जो अपना कन्वर्टर ना यहाँ से हट चुका है, अभी जो है ना साउंड अब जो आएगी जो इसके अंदर से आएगी, यहाँ पे अपना कन्वर्टर फिटेड है पहले से, तुम आराम से देख सकते हो यहाँ पे मैंने कोई भी कन्वर्टर के साथ छेड़वेड़ नहीं की है, यहाँ पे कन्वर्टर पहले से फिट है। अब जो अपनी पहले जो साउंड आती थी वो यहाँ से आती थी, क्योंकि ये पूरा कन्वर्टर एक और फिक्स रहता था इसके अंदर। अब जो साउंड आएगी वो अपने इसके अंदर से आएगी, तो तुम अब बेसिकली डिफरेंस देख पाओगे कि है ना बिफोर एंड आफ्टर, तुम आराम से जज कर पाओगे। मैं दो वीडियो तुम्हारे साथ एक साथ लगा दूंगा बिफोर एंड आफ्टर की, तो तुम उसको आराम से जज कर पाओगे। अब मैं तुमको मैंने पहले पहले साउंड सुनाई इसकी, अब एक बार मैंने इसके साथ कन्वर्टर के हटाने के बाद तुमको साउंड सुनाता हूँ। तो ना अब मैं तुमको साउंड सुनाता हूँ अपने इग्निशन स्टार्ट करके बाइक का, तो तुम अब है ना साउंड सुन सकते हो कि बेस के अंदर कितना डिफरेंस हुआ है। मैं इसको एक बार हटा के और लगा के भी दिखाऊंगा, है ना अब आराम से जज कर सकते हो इसके अंदर क्या क्या डिफरेंस बना होगा। अब अगर तुम फिर भी जज नहीं कर पाए तो मैं इस कन्वर्टर को लगा के और कन्वर्टर हटा के दिखाऊंगा। अभी जो साउंड आ रही है इससे आ रही है, अब तो मैं कन्वर्टर लगा के दिखाता हूँ कितना डिफरेंस बनता है। अब तुम देख पा रहे हो, जज कर पाओगे आराम से कितना डिफरेंस हो गया इसके साउंड के अंदर। वापस दिखाता हूं तुमको, ये कन्वर्टर के अंदर से आवाज आ रही है और ये इस कन्वर्टर को हटाने के बाद, तो बेस के अंदर कितना इंक्रीमेंट हो गया तुम खुद जज कर सकते हो। ये वाली जो आवाज है ये कन्वर्टर से आ रही है आराम से, तो मैंने RPM भी बढ़ा के दिखा देता हूं यहां से। ये जो है इसकी कन्वर्टर से आवाज आ रही है, अब इस कन्वर्टर को मैं यहां से हटाता हूं, तुमको डिफरेंस आराम से पता लग जाएगा।
मतलब कि है ना, जो तुमने डिफरेंस देखा बिफोर एंड आफ्टर आराम से देख लिया, वो तुमने जज कर लिया होगा। मैंने बताया लगा के बीच मतलब कि इग्निशन बंद भी नहीं किया मैंने बाइक का, और उसके अंदर बताया तो जो तुम देख सकते हो कि मैंने कोई भी कम एग्जॉस्ट नहीं लगवाया इसके अंदर। मैं आराम से चाहता तुम इसके अंदर एग्जॉस्ट लगवा सकता ऐसी प्रोजेक्ट का, रोड फाड़ता रहता आराम से। बट ये जो दिन रहते ये इलीगल रहते, तुमको कोई पकड़ लेता धर लेता आराम से, उसके अंदर डिफरेंस वो थी एक प्रॉब्लम थी। बट मैंने ना मतलब कि कोई इसके अंदर इंक्रीमेंट नहीं किया, कोई भी इस बाइक के अंदर चेंजेस नहीं किए, कोई भी इसके अंदर जो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट फिट नहीं करवाया। बट जो तुम साउंड देख सकते हो आराम से है ना, क्लियरली विजिबल है, तुमको आराम से तुम सुन सकते हो कि क्या डिफरेंस पहले था, क्या बिफोर था और क्या आफ्टर था। तो तुम है ना आराम से जज कर पाओगे इस वीडियो को, और मैं ना होप करता हूँ तुमको जो वीडियो की ना अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने ना बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट के अंदर तुमको पूरी डिटेल दी कि यार तुम है ना अपनी बाइक की कैसे साउंड को ना इंक्रीज कर सकते हो, कैसे डिक्रीज कर सकते हो। अगर तुमको कहीं जाना है तो तुम इसको वापस से फिट भी कर सकते हो आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं कि तुमको कन्वर्टर हटाना पड़ेगा एग्जॉस्ट को, इसका अगर लगवाते तो इसको अनइंस्टॉल करवाना पड़ेगा। तुम आराम से इस बाइक को हटवा सकते हो और इसके ना आराम से देख सकते हो। तो मैं होप करता हूँ जो तुमको वीडियो की ना पूरी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तुमको नॉलेज मिली होगी कि यार हाँ कि अपन ना बिना एग्जॉस्ट फिट करवाए भी है ना इसके अंदर वो देख सकते हैं। तो मैं होप करता हूँ जो तुमको वीडियो की अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं कोई ऐसी प्यारी वीडियो में। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, तभी रहो।